लोकसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर एडीजी दावा शेरपा की अध्यक्षता में एक बैठक अपर पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में आईजी जोन जय नारायण सिंह, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, एलआईयू के सीओ जगदीश सिंह, सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह, सीओ कैंट प्रभात राय मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव तथा होली सहित अन्य त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने पर चर्चा की गई। इस मौके पर एडीजी दावा शेरपा ने कहा कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए, असामाजिक और अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए, त्योहारों पर विशेष सतर्कता बरती जाए जिससे त्योहारों को सकुशल संपन्न कराया जा सके। एडीजी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष चौकसी बरती जाए जिससे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन को शुचिता के साथ निष्पक्ष संपन्न कराया जा सके। तो इन्वेस्टमेंट का लेवल वो आगरा वाला और ये कप्तानगंज वाला करने वाले पहले विश्वास जीतते हैं क्या चाहिए क्या चाहिए लालच लोभ दिखाएंगे तो ठीक बात और बेवकूफ बनाने के लिए क्या चाहिए तो मैंने समझा क्योंकि जो आदमी ज्यादा दिमाग बेवकूफ होगा तभी तो बनाएगा जी बना दो चतुर चतुर है तो कौन किसको बनाएगा जी लालची होगा डिग्री का लालची होगा तो लालची बेवकूफ होगा तो वो जो है क्योंकि वही ट्रेंड आ गया छह महीना में साल में पैसा डबल कर देंगे कौन सा तरीका है हमारे पास दो ही तरीका से डबल हो सकता है पैसा बताओ क्या या तो डकैती डालो जी या स्मगलिंग करो अब कॉमन सेंस ये है ना कि जब अपना नहीं करेगा तो भले 100 से शुरू कर लो 100 से 200 200 से 400 दूसरे को डबल करके उसको क्या मिलने वाला है वही छह महीने में डबल होगा और जितना इन्वेस्ट करा वो उसका 20-25% एजेंट को दे रहे जी भाई 75% तो शुरुआत ही दे रहे हो 25 और बांट दे रहे हो उस 25% में अब जैसे ये है एजेंट बन गया 25% मिला जितने जान पहचान दोस्त ना परिवार अब इन्हीं को देख के तो लगाएगा पैसा और इनको कन्विंस करने के लिए ले जाएंगे कहाँ कहाँ अभी एक यही सोनोली के लोग आए थे ना उसका 14 करोड़ पैसा है